हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, आज का लेक्चर तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं सारे मेरे प्यारे बच्चों को ये इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि भैया इस लेक्चर का जो पहला पार्ट है बेटा, वो जो आप लोग ने बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि भैया उसके अंदर जो रिस्पॉन्स आया आपके बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से, अगर वो लेक्चर देख लिए प्यारे बच्चे तो उससे आपके दो नंबर कन्फर्म होने वाले हैं, जो कि 50 मिनट का बेटा। उससे को पढ़ने के बाद ही ये लेक्चर देखिएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा रीजन है। क्यों भैया? क्योंकि उसको पढ़ने के बाद ही ये जो आज करने वाले हैं कंसेप्ट, वो आपको क्लियर हो पाएगा कि मैं क्या क्या यहां पे बात करने वाला हूं। बच्चे तो मैं आपको फटाफट 2 मिनट के लिए रिवाइज कर देता हूं कि आखिर पहले वाले जो पार्ट था बेटा, उसके अंदर हमने ऐसा क्या भौकाल मचाया था, क्या ऐसी कंसेप्ट पढ़ दिए थे जिसको आपको वापस पढ़ना होगा। देखो बच्चे, पहले मैं आपको यह बताया हुआ था कि भैया हमारा जो रासायनिक बलगतिकी होता है, जो केमिकल काइनेटिक्स होता है बेटा, वो क्या होता है, इसके बारे में आपको बहुत गजब तरीके से फोड़ा हुआ था कि भाई उसका मतलब आखिर होता क्या चीज है, अभिकारक क्या होता है, हमारा जो उत्पाद है वो बनता कैसे है, ठीक है, कैसे प्रोसेसेस होती है, कैसे मैकेनिज्म होता है उसका, सारे बात वहां पे हम कर चुके थे। इसके बाद बेटा मैंने आपको वहां पे एक पॉइंट पे आके रोका हुआ था कि भैया हमारा जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है ना, वो कैसे होती है, हम उसको पहचानते कैसे हैं, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। बच्चे ध्यान से सुनते रहना, आज इस ये वीडियो लेक्चर अगर आप देख लिए तो आपके 3 नंबर बेटे एकदम फिक्स होने वाले हैं, क्योंकि जो को क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा उन्हीं में से ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आ रहे होंगे, और डेफिनेटली बच्चे वो बोर्ड के एग्जाम्स में आ रहे होंगे, या फिर बच्चे हो सकता है कि भाई वो जो आपके एग्जाम्स पेपर में, क्वेश्चन पेपर में भी आ सकते हैं। तो आपको भैया क्या करना है, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए। देखो बच्चे, हम लोगों ने जो लास्ट वाले लेक्चर में दहली ऊर्जा, ठीक है, दर स्थिरांक, और बच्चे ऊर्जा अवरोध, संक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी से हम बोलते हैं, ये सारी चीजें कंसेप्ट कर चुके थे। इन इन जो है 4 चीजों को अगर आप पढ़ लिए बच्चे, तो आपके 2 नंबर फिक्स होने वाले हैं। अब बच्चे मैंने आपको बताया हुआ था कि भैया, ठीक है, हम अभिक्रिया की जो कोटि पढ़ते हैं सर, ये ताप का प्रभाव भी मैंने कराया हुआ है, ठीक है, ताप का प्रभाव भी कराया हुआ है। अब बच्चे आप मेरे को बता दो कि अभिक्रिया की कोटि, ये आपको एक क्वेश्चन आता है, और इस क्वेश्चन को बच्चे आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आया हुआ है। मैंने क्या बोला, वापस से सुन लो प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला आपको कि ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम आया हुआ है, तो आपको इसको करके ही जाना है। होप सो इस बार भी आ जाए, ठीक है ना, होप सो इस बार भी आ जाए। तो देखो बच्चे क्या होगा, अभिक्रिया की कोटि के बारे में यहां पे बात कर रही है, मतलब हमारा रिएक्शन ऑर्डर के बारे में बात चल रहा है कि आखिर रिएक्शन ऑर्डर होता क्या है। इसके बारे में मैं डिस्कशन लास्ट वाले लेक्चर में भी किया था, तो वापस से सारे बच्चों को मैं आपको बता देता हूं कि देखो बच्चे क्या होता है, जब भी हमारा क्या होता है अभिक्रिया होती है, तो पहले क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट होता है। अरे सर बिल्कुल, हमको तो ये पता है, तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ही तो बताया आपको, है ना, मैंने ही तो बताया। तो उसके बाद क्या होता है बच्चा, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, प्रोडक्ट होता है। अब रिएक्टेंट बच्चा, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक, अभिकारक से ही प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। अब देखो, जब भी हम ये कर रहे थे, जब भी हम ये कर रहे थे, तो हमको ये पता चला कि सर हम जब भी क्या करें ना, अगर अभिकारक का वेग निकालना हो, क्या बच्चा, वेग, ठीक है, अभिकारक का वेग निकालना होता है, अभिकारक की वेलोसिटी, वेग की अगर मैं बात कर दूंगा, तो यहां पे कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, डेल, डेल क्या बताया, डेल जो अभिकारक होता है, मतलब इसको मैं आर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, किससे बच्चा, आर से रिप्रेजेंट कर दूं रिएक्टेंट साइड को, इसको मैं पी से रिप्रेजेंट कर दूं, तो क्या होगा, डेल आर बाय क्या होता है, डेल आर बाय डेल टी, मतलब कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट यूज हुआ, कितना खत्म हुआ, कितनी प्रक्रिया हुई है, इसी को हम बोलेंगे भैया वेलोसिटी की बात करेंगे अभिकारक के बारे में। और यहां पे एक फंडा मैंने आपको बताया था कि कभी नहीं भूलना, यहां पे हमको माइनस लगाना हो, और इसके पीछे का रीजन भी बताया होता कि माइनस क्यों लगाते हैं सर, क्योंकि माइनस में बच्चा, माइनस हमको ये डिनोट करता है, ये दिखाता है कि हमारा जो अभिक्रिया है, सॉरी अभिकारक है, ठीक है, वो क्या होगा, कंटिन्यूसली जो है खत्म होते जाएगा। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपको जो है एक रिएक्शन दे दी कि भाई हमको मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट होकर हमको प्रोडक्ट बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना, वो तो खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार बच्चे जब खत्म हो जाएगा, तो हम इसको क्या लगे, यहाँ पे माइनस का चार्ज लगा दें, एकदम डेफिनेटली गजब तरीके से सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो, ये इतना बातें सबको क्लियर है। अब भाई अभिकारक की वेग हुई, जब हम क्या करेंगे, उत्पाद के वेग के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो उत्पाद का वेग में क्या होता है, यहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, सारी चीजें यहां पे रहेगी, सिर्फ यहां पे डेल पी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, इस तरह, ठीक है, डेल पी बाय डेल टी प्रोडक्ट वाला साइड, ठीक है, और प्लस का जाद तो रहेगा ही रहेगा डेफिनेटली, ठीक है। अब देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करा दी, और साथ ही साथ बच्चे मैंने आपको ये भी एक जबरदस्त तरीके से क्लियर कराया है, अगर बच्चा कि हमारे पास ए प्लस बी, और हमको जो है एक प्रोडक्ट मिल रहा है सी, इस प्रकार से मिल रहा है, लेकिन मेरा ए और बी क्या बच्चा, ए और बी मेरा क्या है, रिएक्टेंट, जिसे मैं आर से डिनोट कर रहा हूं, और सी तो मेरा प्रोडक्ट है बेटा,
ठीक है, प्रोडक्ट है। अब यहां पे क्या हो गया कि भाई देखो ध्यान से, अगर मैं डेल ए बाई डेल टी करूं, डेल ए बाई डेल टी करूं, कोई गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर देखो यहां पे मैं करूं बच्चा, ठीक है, अगर मैं यहां पे करूं, अगर डेल बी बाई डेल टी करूं, तो यहां पे कोई गलती है? बिल्कुल गलती नहीं है, ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैं ऐसे करूं, कंसेंट्रेशन ऑफ ए एक्स और कंसेंट्रेशन ऑफ बी वाई, इस प्रकार से अगर मैं लिखूं तो भैया ए का जो कंसेंट्रेशन है एक्स होने वाला है और बी का कंसेंट्रेशन वाई होने वाला है, तो इस प्रकार से जो मेरा घात होगा, जो पावर होगा, एक्स प्लस वाई को जब मैं जोड़ता हूं तो बच्चे मेरे को क्या मिलता है? एन मिलता है। क्या मिलता है बेटा? एन मिलता है। और यही एन हमको ये दर्शाता है, ये बताता है, ये समझा रहा होगा कि यही हमारी क्या बच्चा? अभिक्रिया की कोटि है। क्या बच्चा? अभिक्रिया की कोटि है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारे बच्चों को समझ में आया कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अब मेरे को ये सारी बातें समझ में आ गई सर, बिल्कुल बच्चे समझ में तो आनी थी, ठीक है, समझ में तो आनी थी। अब देखो जब मेरा एन का वैल्यू क्या हुआ? वन हुआ, ठीक है, जब वन का, सॉरी हम लोग इस बात करते हैं, पहले जीरो की बात कर लेते हैं। चलो देखो एन इज इक्वल टू क्या हुआ बेटा? सब क्या होगा? जीरो होगा। और एन की वैल्यू मेरे को अभी भी पता चली कि एन की वैल्यू कैसे निकलती है? एक्स प्लस वाई से, ठीक है, एक्स प्लस वाई से। अब देखो जब एन का वैल्यू जीरो हुआ तो मैं क्या इसको बोलूंगा भाई? शून्य कोटि की अभिक्रिया। बेहतरीन सर, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को? हम इसको क्या बोलेंगे? शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि भाई यहां पे जो एन का वैल्यू है जीरो हो गया। अगर एन का वैल्यू, ठीक है, एन का वैल्यू अगर वन होता है, एक होता है, जब एक हो जाएगा बच्चा, एक होगा तो क्या होगा? ये हमारा जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, ठीक है, एकदम बेहतरीन सर। अगर एन का वैल्यू बेटा दो होता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, एकदम मक्खन सर, गजब समझ में आ गए तो, ठीक है, बिल्कुल बच्चे होना ही था, ठीक है, तो होना ही था, ठीक है। अब देखो, अब बच्चे यहां पे अपन को सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी होगी जो कि मैं आपको यहां पे लिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चा, मैं जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया कराने वाला हूं और जो हमारा जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, ये हम दो चीजें यहां पे पढ़ने वाले, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो बच्चे फटाफट जो अपने कॉपी के अंदर हेडिंग लगा लीजिए और साथ ही साथ पहले कंसेप्ट समझिएगा, फिर बच्चे वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए और सर उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट लो, या फिर बच्चे जो मेरे साथ साथ नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम शॉर्ट तरीके से आपको बताऊं कि इसका जो रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये आई। इससे पहले बच्चे मैं आपको ये एक की पॉइंट आपको जो है बता देता हूं, ठीक है, इसको या फिर बाद में डिस्कस करते हैं या फिर अभी डिस्कस, चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर देखो देखो हमने क्या कहा था बेटा, जब भी रिएक्शन लिखे थे तो वहां पे एक स्थिरांक का यूज किया था। क्या बच्चा? एक स्थिरांक का यूज किया था जिसका नाम था के। क्या था बेटा? के था, क्योंकि मेरे को पता है जब भी ये रिएक्शन कंप्लीट होता है, ये रिएक्शन कंप्लीट होता है बेटा, तो हम इसको रिएक्शन के क्या करेंगे? अगर मेरा कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ बी होता है इस प्रकार से, ठीक है, एक्स और बी, तो ये क्या होता है बेटा? वेग के बराबर, वेग के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, वेग के प्रोपोर्शनल होता है। इस प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटाने के लिए मैं के स्थिरांक लगाया था, इसी को मैं वेग स्थिरांक बोलता हूं बेटा, ठीक है। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैं के स्थिरांक लगाया था। उसी के की वैल्यू अगर निकालने आया कभी भैया, उसी के की वैल्यू निकालने के लिए आया तो आप कैसे करोगे? ऐसे करोगे बच्चा, ध्यान सुन देना, ठीक है। देखो अगर भैया, ठीक है, डेल आर बाई डेल टी दे दिया, ठीक है, इसको हम dr/dt कर दूं, कोई दिक्कत है किसी भी बच्चों को? ठीक है, अगर मैं जो है अभिकारक का, ठीक है, अभिकारक का वेग की बात करूं, अभिकारक का वेग की बात करूं, तो वेग dr/dt में लिख सकता हूं, इसे dr/dt भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत है किसी भी बच्चों को? किसी भी प्रकार की कोई भी बच्चों को जो है दिक्कत नहीं आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चे यहां पे किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से हुआ। अब देखो अगर मैं बच्चा इसी को और जो है एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना चाहूं तो फिर कैसे लिखूंगा? इसको ध्यान से देखते रहना, क्योंकि मेरे को अभी अभी पता चला बेटा कि अभी भी मतलब कल का पता चल गया, ठीक है। अभी अभी कहने का मतलब ये पता चला कि भैया इस प्रकार से हम स्थिरांक का यूज करते हैं। अब स्थिरांक लगा दिए सर यहां पे, ठीक है, अपन तो कर दिए कुछ भी। देखो यहां पे वेग इज इक्वल टू क्या हो बेटा? वेग इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी वाई, इस प्रकार से होता है। अब जब देखो बच्चे अगर मैं यहां पे के की बात किया, तो के क्या करता है?
के, सॉरी वेग की बात किया, ठीक है। अब मैं एक और वेग की बात करूं, अलग स्थिति की मैं बात करूं, तो यहाँ पे के, के इज इक्वल टू इन दोनों को जो ए एक्स और ए वाई है, क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को पता है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है। क्या बच्चा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है, तो मैं इसको समराइज फॉर्मेट में लिख दूं कि भैया ये पूरा का पूरा जो ए और बी है, ये तो मेरा क्या होने वाला है, रिएक्टेंट होने वाला है, मतलब हमारा अभिकारक होने। तो मैं इसको आर से डिनोट कर देता हूं और इसको आर एन कर देता हूं। किसी भी बच्चों को कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी इसको समझने में, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना बच्चे। मेरा ए और बी क्या था, ए और बी मैं वापस से यहाँ पे फटाफट लिख देता हूँ, ए ए प्लस बी, ए प्लस बी बेटा मेरे इससे मिला मेरे को सी, ठीक है। इस प्रकार से मान लो हमारे पास रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो ए बी है बेटा, ये मैंने बोला कि ये मेरा जो है रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या बच्चा रिएक्टेंट, जिसे मैंने आर से डिनोट किया, और ये मेरा जो प्रोडक्ट है जिसे मैंने सी से, सॉरी पी से डिनोट किया, ठीक है। ये आपको समझ नहीं आनी चाहिए पहले, ठीक है। अब देखो, जब a और b की मैंने बात किया, तो इसको r से मैं जो डिनोट कर सकता हूं, जो मैंने r से डिनोट कर दिया। अब x plus y को मैं क्या करूं, जब ये जुड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी मैथमेटिक्स है बच्चा, सिंपल सी, यहां पे इनटू है, मतलब क्या होता है, जो पावर होते हैं वो क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो x plus y होगा, और x plus y का वैल्यू क्या होता है, n होता है, क्या बच्चा n होता, तो n हो गया, n हो गया, सिंपल, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बच्चा, कि मेरे को k का तो वैल्यू नहीं का, क्योंकि मेरा स्थिरांक वेग थोड़ी k है, क्या है। अब देखो बच्चे, मैं यहां पे वेग को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, और r बाई क्या कर दूंगा, n कर दूंगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मैं करूंगा। जब इस प्रकार से सॉल्व करूंगा, तो मेरे को वेग का भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू मिलना चाहिए। जब वेग का वैल्यू कहां से मिलेगा बच्चे, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं आपको कराया हुआ हूं। देखो बच्चे कहां पे, कहां पे, कहां पे, हां देखो यहां पे, अगर मैं वेग की अभिकारक की साइड की बात करूं, तो अभिकारक क्या होता है, डेल आर बाई डेल टी होता है, डेल आर बाई डेल टी होता है। अब देखो, मैंने आपको जो है वहां पे एक जो है नोट करा था कि भैया कैसे इसको लिखना है, इसकी इकाई के बारे में कैसे बात करें, तो इसकी इकाई होती है बेटा सांद्रता, किसकी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन बोलते हो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर के बारे में, मतलब अभिकारक की सांद्रता की बात की, तो यहाँ पे सांद्रता, और टी का मतलब होने वाला बच्चे समय होने वाला है, तो इसकी इकाई जो क्या हो गया, ये सांद्रता बटा समय। अब इसी फॉर्मूला को भैया, इसी जो हमारे पास रूल है, इसको जो है जहां पे हम कर रहे थे वहां पे कॉपी पेस्ट मार लेते हैं भैया, मतलब सर देखो ध्यान से, देखो अब इस वेग है, अब यहां पे वेग जो है बेटा, ठीक है, अब इस वेग को अपन को कॉपी पेस्ट लगाना है, जो यहां पे लिखे थे हम सांद्रता, सांद्रता, सांद्रता बटा समय, सांद्रता बटा समय, ये अपन को वापस से लिखना है, ठीक है, ये अपन से लिख दिए सांद्रता बटा समय। अब बटे नीचे में आ जाएगा, बटे तो समय तो नीचे में आ जाएगा, ठीक है, बटे के फॉर्मेट में। अब ये कंसंट्रेशन ऑफ आर की बात की गई, कंसंट्रेशन ऑफ आर की बात की गई, तो कंसंट्रेशन ऑफ आर कैसे होता है, ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन ऑफ आर की मैं लिखूं, तो सांद्रता बटा एन, सॉरी सांद्रता का पावर एन, इस प्रकार से मैं कर सकता हूं, क्योंकि सांद्रता को हम लोग एन से, सॉरी सांद्रता को जो भैया इस प्रकार में लिखते हैं, इसको मैंने ऐसे शब्दों के रूप में लिख दिया, क्लियर है सारे बच्चों को, सांद्रता बटा समय इनटू सांद्रता एन। अब देखो, अब सिंपल सा मैथमेटिक्स है, सिंपल सा मैथमेटिक्स, डब्बे में आपको लिखा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। जब 1 बाई एन होता है बेटा, 1 बाई ए का पावर m होगा, 1 बाई ए का पावर m होगा, तो ये जब ऊपर चला जाता है तो क्या होता है, 1 बाई सॉरी 1 अपो 1 माइनस m होता है, 1 का पावर सॉरी a का पावर माइनस m होता है, a का पावर माइनस m होता है। सेम इसी प्रकार से हम इस सांद्रता को ऊपर लेके जाएंगे, तो k इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, सांद्रता, k इज इक्वल टू सांद्रता, सांद्रता इनटू सांद्रता, इनटू सांद्रता, सांद्रता जो नीचे वाला बेटा वो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, सांद्रता, सांद्रता का पावर माइनस एन, सांद्रता का पावर माइनस एन, और बच्चे मेरे को नीचे में क्या मिलेगा, नीचे में मेरे को मिलेगा समय, ठीक है, नीचे में समय मिला, समय बचा हुआ है। अब देखो इस प्रकार से हुआ, सांद्रता इंटू सांद्रता माइनस एन अपॉन समय, क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो, अब मेरे मैथमेटिक्स के अंदर बेटा एक और फॉर्मूला है, कि अगर मेरे पास ए का पावर वन, ठीक है, ए का पावर वन और ए बी का पावर, ठीक है, ए का पावर वन और ए का पावर टू रहेगा, ठीक है, या फिर माइनस का टू रहेगा, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा, ए वन माइनस टू, वन माइनस टू, इस प्रकार से ही करूंगा, इस प्रकार से ही, सेम यही फंडा यहां पे लगाना बेटा, क्या करना है अपन को, ध्यान से देखना, सांद्रता, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता को मैंने निकाला, ठीक है, अब इसका पावर क्या था, वन माइनस एन होने वाला है, क्या बेटा वन माइनस एन होने वाला, और नीचे में क्या हमारा समय बचेगा, नीचे में हमारा क्या बचेगा, समय बचेगा, तो यही जो है बेटा, ठीक है, सांद्रता n माइनस एन अपॉन समय, यही हमारा क्या होने वाला है, मैं वापस से लिखता हूं यहां पे, देखो ध्यान से, सांद्रता, ठीक है, सांद्रता कंसंट्रेशन होल ट्वाइस 1 माइनस एन अपॉन समय, ये मेरा क्या होने वाला है बच्चे, ठीक है, यही इसके हमारा क्या है, k का इकाई है, क्या बच्चा, स्थिरांक हमारा जो है, वेग स्थिरांक है, इसका यही जो है इकाई होने वाला है, समझ में आया सारे बच्चों को, गजब तरीके से। अब देखो सांद्रता को अपन लिखते कैसे बेटा, मोल, मोल पर लीटर,
मोल पर लीटर ऐसे लिखते हैं। अब समय को कैसे लिखते हैं बच्चे, हमको पता है समय को अपन 1/s लिखते हैं सेकंड में, ठीक है। इस प्रकार से हमारा जो k का जो एक्चुअल जो वैल्यू होने वाला है बेटा, ये इस तरीके से हमको मिल जाएगा, ठीक है। इसको अपने कॉपी के अंदर गजब तरीके से इसको बच्चा क्या कीजिएगा, नोट करके लिखिए, क्योंकि ये आपके लिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इसके ऊपर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया। तो ये आपको जो है नोट करके रखना। अब बच्चे मैं n इज इक्वल टू 1 की, n इज इक्वल टू 0 की बारे में बात करूं, n इज इक्वल टू 0 की बारे में बात करूं, मतलब मैं किसके बारे में बात करूं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के ऊपर बात कर रहा हूं। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, n का वैल्यू 0 है, तो मैं यहां n का वैल्यू, ठीक है, सॉरी यहां पे अपन कुछ भूल गए हैं, देखो ध्यान से क्या हुआ, 1 - n होगा, ठीक है, 1 - n होगा इस प्रकार से, क्योंकि 1 - n तो पूरा है, तो मोल बाई लीटर बाई 1 - n, ठीक है, पावर में 1 - n ऐसे ही होने वाला है। अब बच्चे जब n का वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, इस n की जगह पे रखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखो मोल बाई लीटर, ठीक है, मोल बाई लीटर 1 - n का वैल्यू क्या है बच्चा, n का वैल्यू जीरो है। जब n का वैल्यू 0 तो मैं यहां पे इजिली इसको जो है सॉल्व कर पाऊंगा कि भैया, ठीक है, कि भैया देखो मोल में क्या बचेगा, मोल बाय लीटर इंटू 1/s, ये कन्फर्म है, ये तो आने वाला है, एकदम बेसिक सा है, ठीक है। वो क्या जाएगा, पावर में 1 आएगा, 1 का मतलब यही तो होता है, 1 का मतलब बेटा सेम जो हमारे जो है, ठीक है, सेम हमारा जो वैल्यू है इधर वही वहां पे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो जब n का वैल्यू 1 करूंगा, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मैं बात करूं, तो यहां पे सिर से वैल्यू रख दो मोल बाय लीटर, क्या बेटा, मोल बाय लीटर 1 - 1 करूंगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये क्या होने वाला है, देखो बच्चा, ठीक है, 1/s होगा, जब 1 की वैल्यू 1 हुई तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू बेटा वो 0 हो जाएगी, तो मोल बाय l कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा बेटा, 0 होने वाला है। 0 का मतलब क्या होता है, 0 जब पावर में लगता है तो क्या होता है, वो तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, मतलब कि ये जब वैल्यू सॉल्व होगी तो यहां पे बच्चा मेरे को मिलेगा ये, क्योंकि मेरे को मैथमेटिक्स के अंदर ये पता है, जब भी हमको जो है a का पावर 1 - 1 मिले तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर 0 हो जाएगा, और a का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, क्या होता बेटा, a होता है, ठीक है, सॉरी 1 होता है, तो 1 मैंने यहां पे लिख दिया। अब 1 * 1/s में जब करूंगा तो बच्चे मेरे को तो 1/s ही मिलेगा, तो कंफर्म है 1/s मिलने वाला है, ठीक है। अब बच्चे मैं इसको s इनवर्स भी लिख सकता हूं इस प्रकार से, कोई दिक्कत है किसी के बच्चों को, कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब n = 2 के बारे में बात करता हूं, जब n = 2 होगा तो क्या होगा बच्चे, यहां पे मोल बाय लीटर अपॉन 1 - 2 होगा, 1 - 2। अब यहां पे सेकंड भी हमारे पास 1/s होगा। अब बच्चे मैं क्या करूं, इसको दिखाऊं, मोल बाय लीटर, ये क्या आने वाला है मेरे को, ये माइनस फॉर्म में मिलने वाला है, क्या, 1, माइनस का 1 मिलने वाला है। अब माइनस का 1 जब मिलेगा बच्चे तो यहां पे क्या होता है, 1/s होगा, ठीक है, 1/s, माइनस का 1 मिलने वाला है। अब इसको मैं क्या करूं बच्चा, उल्टा पलट दूं, इनवर्स है, आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा कि जब ये इनवर्स होता है, इनवर्स को मैं अगर ऊपर लेके चला जाऊं तो सही फॉर्म में हो जाएगा। यहां पे जैसे कि हम यहां पे क्या था, यहां सही 1/s था, 1/s को मैं ऊपर लेके गया तो इनवर्स लग गया। अब ये इनवर्स है तो इसको मैं इसी वाले फॉर्म में वापस से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूं, इसको नीचे मोल को नीचे ले आऊं और एल को ऊपर लेके चले जाऊं, तो क्या हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा ये, एल अपॉन मोल, ठीक है, एल अपॉन मोल इंटू वन अपॉन एस, क्योंकि एस थोड़ी ना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया क्या होने वाला, वेग स्थिरांक होने वाले, ठीक है, वेग स्थिरांक के की वैल्यू होने वाली है। मैं किसकी वाली बात कर रहा हूं, इतने टाइम्स जो बात की, के की वैल्यू के ऊपर मैंने बात की, समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है, बहुत गजब तरीके से। अब देखो बच्चे जब भी आपको न्यूमेरिकल में ध्यान से सुनना, जब न्यूमेरिकल आई या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप जाओगे, जाने के बाद बेटा आपको अगर क्वेश्चन दिखे इस चैप्टर से, काइनेटिक्स क्वेश्चंस दिखे, और क्वेश्चंस भी कैसे आते हैं बेटा, जब भी आपको जो है एक वैल्यू दी रहेगी कि ये जो हमारा एक एलिमेंट है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसका जो वेग है, ठीक है, सपोज एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, यहां पे ध्यान से देखना, इसका बताया हुआ कि हमारा जो वैल्यू है 9 × 10⁻⁴, ठीक है, इस स्पीड से, इस वेग से हमारा जो अभिक्रिया है, ठीक है, टेवर 4, उसके बाद बच्चे यहां पे दे दे एस इनवर्स दे दे, ठीक है, सेकंड इनवर्स, इस प्रकार इस वेग से हमारा जो अभिक्रिया है वो कार्य कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे दे दे और आपको ये पूछे कि भाई ये जो वैल्यू है, ये जो सॉरी अभिक्रिया है, कौन सी कोटि का, कौन सी ऑर्डर का है,
तो यहां पे क्या हम कैलकुलेशन लगाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पे क्या देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू देखो। और एस इनवर्स किसका होता है बेटा? एस इनवर्स किसका होता है? ये एस इनवर्स किसका जो होता है बेटा, एस इनवर्स तो सर ना ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया में होती है। तो आपने इकाई देख के ये पता कर दिया कि वो कौन सी कोटि का रिएक्शन है। समझ रहे हो? मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो? मजा आ रहा है आपको? देखो यहां पे क्या हो रहा है, एस इनवर्स का मतलब ये हो रहा है कि भैया ये कोटि की ये जो पूरा रिएक्शन है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। समझ में आया? अगर आपको सेम इसी प्रकार से एग्जांपल्स में यूनिट देख के आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्स में यूनिट देख के वो बता सकते हो कि ये जो पूरी की पूरी ओवरऑल जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी कोटि की होती है। समझ में आया? बहुत बेहतरीन। अगर जिन बच्चों को समझ में आया वो क्या करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, और क्या करेंगे अपने दोस्तों के इसको फैला के दीजिए, फैला दीजिए पूरे अपने जो है फ्रेंड्स में, दोस्तों में, ठीक है, अपने सारे जो फैमिलीज होगी बेटा वहां पर फैला दीजिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब, ठीक है, एक एक लाइक बच्चे हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होता है। क्या होता है बेटा? मोटिवेशन होता है। मैं आपको यहाँ पे आके मोटिवेट करता हूँ, पढ़ो बच्चे पढ़ो, मजा आएगा, फोड़ेंगे इस बार, ठीक है। तो आपको बच्चे सेम उसी प्रकार से हमको भी मोटिवेट रखना है कि हम आए आपके लिए वीडियो बनाएं, ठीक है, जिससे आपके लिए बच्चे क्या होए एग्जाम्स में एकदम तबाही तरीके से क्या होना, फोड़ने आ जाए, ठीक है। एग्जाम जब भी आए तो आप उसको फोड़ पाओ, लिख के आओ, ऐसा लिख के आओ कि भाई कोई एग्जामिनर इसको जो है एग्जाम जो चेक करने बैठा ना तो वो ऐसे देखे और आपको जो नंबर दे दें। समझ में आया? तो इस प्रकार से बच्चे हम दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, मोटिवेट करते रहेंगे, जिससे ये जर्नी जो है बहुत स्ट्रांग चलेगी, बहुत मजा आएगा इस जर्नी को कंप्लीट करने में, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे हम जो है अब जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के ऊपर चलते हैं। इस प्रकार से बच्चे वेग इस तरह यहाँ पे खत्म हुआ है, ठीक है। हाँ बच्चे, तो अपन लोगों ने यहाँ पे बात किया कि भैया अभिक्रिया की कोटि आखिर क्या होती है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो कैसे बनती, इसके बारे में बहुत गजब तरीके से बात कर चुके हैं। अब बच्चे अपन बात करने वाले हैं कि भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। बहुत टाइम से बच्चे मैं बोले जा रहा हूँ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ते हैं, तो बच्चे मैं वापस से आपको बहुत गजब तरीके से जो है कराने वाला हूं, बहुत सिंपल तरीके से कराने वाला हूं बच्चे कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है ना वो कैसे होती है। देखो बच्चे, हम जो अपना आज का जो भैया, सबसे पहले आप लोग क्या करना है, एक हेडिंग लगा लो फटाफट की भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। शून्य कोटि मतलब यहां पे जीरोथ ऑर्डर की बात हो रही है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। और सारे बच्चों को मैंने ये क्लियर कराया हुआ है प्यारे बच्चे कि हमारी जो शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है ना वो आखिर बनती कैसी है, इसके ऊपर मैंने आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वो कैसे बनती है, ठीक है। चलो बच्चा, अगर मैं बोलूं बेटा कि हमारा जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू अगर जीरो है तभी हमारे शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो आप लोग को कोई भी यहां पे डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको कंफर्म कराया हुआ बेटा कि हमारा जब n का वैल्यू जीरो होता है तो हम इसको शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं, जब वन होता है तो बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जब दो होता है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, बहुत सिंपल। चलो ठीक है, अब इसको मैं बढ़ता हूं बेटा, आगे बढ़ता हूं फटाफट। और मैंने आपको यह भी बताया हुआ बेटा कि हमारा जब वेग का कैलकुलेशन करते हैं, तो इस पर क्या होता है कि भैया हमारा जो के, ठीक है, के, या फिर मैं यहाँ पे के की बात नहीं करूँ, यहाँ पे माइनस क्यों लगाते हैं पता ना बच्चा, माइनस क्यों लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अभिकारक होता है वो कम होता रहता है, इस यहाँ पे इसलिए माइनस लगाया जाता है। अगर मैं बात करूँ बच्चे की वेग के बारे में, तो वेग क्या होता है, डी क्या होता है बेटा, डी, या फिर मैं बोलूँ इसको जो है फटाफट देखो, डेल कंसेंट्रेशन ऑफ आर, डे कंसेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाई डेल टी, ठीक है। यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार की डाउट नहीं होगी। अब बच्चे इसी को मैं और एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से अगर लिखना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, डी कंसेंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है सारे बच्चों को? अब बच्चे इसके साथ साथ मेरे को ये भी पता है मेरे प्यारे बच्चों कि आखिर भैया, ठीक है, मेरा वेग का एक और फॉर्मूला होता है जिसके मेरे को पता है कि भाई वेग जो है आर की बात हो रही है ना, यहाँ पे अभिकारक की बात हो रही है, तो अभिकारक में क्या होता है, अभिकारक में बेटा ए और बी का सब्सटेंस होते हैं, ए और बी जो है एलिमेंट होते हैं, तो इसको मैं एक साथ मिला के क्या लिखता हूँ, आर लिखता हूँ बेटा, आर लिखता हूँ। तो क्या मैं इस वाले फॉर्मूला को यहाँ पे एग्जैक्ट लिख पाऊंगा? बिल्कुल कन्फर्म बच्चे, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ आर, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, डेफिनेटली सकता हूँ बच्चा। और यहाँ पे क्या होता है n, अब मेरे को ये बता दो बेटा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं शून्य कोटि की अभिक्रिया यूज करूँ तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? कन्फर्म है बेटा, जीरो तो होगा, ठीक है। अब इस n के जगह पे मैं जीरो डाल देता हूँ,
अब इस n के जगह पे, इस n के जगह पे मैं जीरो रख दूं, और मेरे को मेरे जो है प्यारे बच्चों को पता है कि a का पावर जब जीरो होता है तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। क्या सर? वन हो जाती है। ये हम सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। जब a का वैल्यू जीरो वन होगी तो बच्चे मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, k ही मिलेगा, सिंपल सा बात है, k मिलेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चे इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो बच्चा क्या होगा, वेग, वेग यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा वेग इज इक्वल टू k ही हो जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये बात हुई इतनी क्लियर। अब बच्चे इसको मैं जो क्या करूंगा, कंपेयर कर दूंगा कि दोनों वेग की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी वेग की बात हो रही है बेटा, यहाँ पे भी वेग की बात हो रही, तो मैं इसको क्या करूँ, कंपेयर करूंगा। अब जब कंपेयर करूंगा बच्चे तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे डेल, सॉरी माइनस, माइनस डेल डी बाई आर बाई क्या मिलेगा बेटा, डी टी मिलेगा, इस प्रकार से मेरे को मिलेगा। और यहाँ पे मेरे को अदर साइड पे मिलेगा बेटा के, क्या मिलेगा बच्चे, के मिलेगा। क्लियर है सारे बच्चों को? अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे को एक बात बता दो कि अगर मैं इस तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, इस तरीके से जब सॉल्व किया तो मैं जो है सिंपल सी बात है इस dt को इस साइड में शिफ्ट कर दूंगा और माइनस को भी इस साइड में शिफ्ट करूंगा। इस dt को जो नीचे में है, ठीक है, हर में है, उस dt को मैं इस साइड में शिफ्ट करूंगा k की साइड पे, तो क्या हो जाएगा, kt हो जाएगा, k सॉरी k dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k dt, और माइनस को भी उधर शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस k dt हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, माइनस k dt हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस, इसको माइनस नहीं लिखते अपन, यहां पे लिखते d d r d r इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर है सारे बच्चों को? ये कैसे हुआ सारे बच्चों को, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखो बच्चा, ठीक है। अब कोई पेन जो है बेटा अपन चेंज कर लेते हैं, देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था हमारा, डी कंसेंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी था। अब बच्चे इसका मैं क्या कर दूँ, समाकलन करूँ, तो मेरे मैथमेटिक्स वाले प्यारे मेरे ननहो मिनहो गुलजारो बच्चों को ये पता है कि हम समाकलन कैसे करते हैं, और मेरे प्यारे जो है बायोलॉजी वाले बच्चों को भी ये पता होना चाहिए। तो मैं बच्चे आपको जो एकदम धीरे से कराता हूँ कि एक्चुअल में कैसे चीज़ें होती है। देखो बच्चा यहाँ पे मैं क्या बात करूँगा, कंसेंट्रेशन ऑफ आर को यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी समाकलन होगा, और क्या होगा बच्चे, यहाँ पे जो है KT को रखूंगा, क्या रखूंगा बच्चा, KT को रख रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो KT है बेटा, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब जीरो टी टाइम पे, क्या बच्चा, जीरो टी टू, ठीक है, जीरो से टी में जाएगा, जीरो टू टी में जाएगा, ठीक है। अब जीरो टाइम पे बेटा, जीरो टाइम पे हमारी जो अभिकारक होगी उसमें जो बचेगा बेटा सब्सटेंस, वो क्या होने वाला है, आर नॉट होने वाला है। जीरो टाइम पे हमारा जो अभिकारक है बच्चा, अभिकारक की जो दर है वो होने वाला है आर नॉट, और टी टाइम पे मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो दर होने वाली है टी, सॉरी आर टी होने वाला, क्या बच्चा, आर टी होने वाला, इस प्रकार से। क्लियर है सारे बच्चों को? बहुत जबरदस्त तरीके से। अब बच्चे समाकलन में क्या होता है, समाकलन में बेटा हमको सबसे पहले जो है अपर लिमिट लिखना होता है, क्या हमको सबसे पहले जो है अपर लिमिट लिखना होता है, उसके बाद लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस करके लोअर लिमिट। अब बच्चे सेम प्रोसेस में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आर टी, आर टी माइनस आर नॉट लिखूंगा, आर टी माइनस आर नॉट लिखूंगा, इज इक्वल टू करके माइनस का के टी लिख देता हूँ, माइनस का के टी लिख देता हूँ। आपको सारे बच्चों को क्लियर होगा कि ये कैसे आया, सिंपल बात, यहाँ पे मैं क्या लिखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखा और यहाँ पे केटी कर दिया, सिंपल सी। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, जब मैं इसको क्या करूंगा, आरटी का मेरे को वैल्यू निकालना होगा, तो मैं सिंपल सी बात है बेटा कि यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू को क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर प्लस का आर नॉट हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब बच्चे इस पूरा ओवरऑल जो है इक्वेशन को मैं जो है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे बच्चा, कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे। तो हमारा जो y is equal to mx plus c है बेटा, वो क्या दर्शाता है कि हमारे जो स्लोप है वो कैसे बन रहे हैं, हमारा जो लाइन है, रेखा है, वो कैसे बन रही है, ये हमको दर्शाता है। तो बेटा इसको मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा किससे, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ फटाफट, आपको पता चले। जिससे देखो y is equal to mx, mx प्लस सी से हमको क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, जिसमें y का वैल्यू बेटा y एक्सिस पे मेरे को क्या मिलने वाला है, आर टी मिलने वाला है, और जो x एक्सिस पे बेटा मेरे को t मिलेगा, ठीक है, टाइम मिलेगा, और बच्चे मेरे को आर नॉट जो है यहाँ पे c मिलेगा, जो कि कॉन्स्टेंट है, और m हमारा जो स्लोप है वो भी क्या होगा, माइनस में होगा। इस प्रकार से बेटा हमको क्या मिलेगा, मैं आपको फिलहाल बच्चे ये जो कंफर्म करके बताऊंगा, इसको जो क्या करना, आप लोग डब्बे में लिख के रखना कि भैया ये क्या होता है आखिर, ठीक है, ये इसको क्या करना, डब्बे में ऐसे जो है आप लोग हेडिंग बना के या फिर जो भी करना बेटा आपको जो याद करके इसको रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भैया हमारा जो स्लोप है वो कैसे बनता है, ग्राफ आखिर कैसे बनता है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। फिलहाल बच्चे आप थोड़ा सा इसके जो है कैलकुलेशन पे अभी फोकस करो, क्योंकि मैं इसको जब हम जो नेक्स्ट स्लाइड करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा। क्लियर है सारे बच्चे को? अब देखो प्यारे बच्चे, ठीक है, अब देखो जब मैं क्या किया, ठीक है, आर टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस टी प्लस आर नॉट किया, तो मेरे को यहाँ पे क्या निकाला, मेरे को टाइम चाहिए रहेगा, मेरे को क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, माइनस का केटी यहाँ पे रख दू, माइनस का केटी यहाँ पे रख दू, और आर नॉट, आर नॉट माइनस, ठीक है, माइनस का केटी, या फिर बच्चे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, चलो माइनस का केटी नहीं, पूरा केटी, सिर्फ केटी ही ले आते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, आर नॉट, आर नॉट माइनस आर टी, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, आर नॉट माइनस आर टी, इस प्रकार से लिख सकता हूँ। अब देखो जब मेरे को टी का वैल्यू चाहिए, टी का वैल्यू चाहिए, तो बेटा आर नॉट
माइनस आर टी बाई क्या कर सकता हूँ, के कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता बेटा, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, इस वाला जो टॉपिक है बेटा, ठीक है, इस वाला जो टॉपिक है उसको बेहतरीन तरीके से करेंगे। और ये जो दो जो मैं आपको डब्बा बना के बताऊं बेटा, इन डब्बों को आप लोग क्या कीजिएगा, अपनी कॉपी के अंदर जो है ऐसे सेम डब्बे आप बना के रख सकते हो, ठीक है, याद रहना चाहिए बच्चे ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो जब यहां पे मैं बात करता हूं y इक्वल टू mx c प्लस जो है कैसे कंपेयर करते हैं, अब इस पॉइंट के ऊपर आते हैं, ठीक है, ये सारे कैलकुलेशन सारे बच्चों को समझ में आया। अब थोड़ा सा हम कैलकुलेशन जो ग्राफ के ऊपर आते हैं कि एक्चुअली ये y इक्वल टू mx प्लस c जो है ना उसमें कैसे बनता है। देखो पहले प्यारे बच्चों यहां पे क्या होता है, सबसे पहले बच्चे अपन तो यहां से जो क्या ले सकते हैं, पहले जो है पेजेस ले लेते हैं फटाफट, क्यों भैया हमको जो है पेजेस की थोड़ी सी कमी हो जाएगी, तो अपन क्या ले सकते हैं, पेजेस फटाफट ले सकते हैं जिससे हमको भरपूर स्पेस मिल पाए। चलो बच्चा ठीक है, अब देखो यहां पे अपन को क्या मिला हुआ था मेरे प्यारे बच्चे, हमको मिला हुआ था RT इज इक्वल टू माइनस का KT प्लस आर नॉट, जिसको हम लोग y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। अब जब कंपेयर किया मैं तो हमको ग्राफ कैसे मिला उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ अपन यहाँ पे बात कर चुके हैं। अब ग्राफ के ऊपर बात करते हैं कि आखिरकार हमको ग्राफ कैसे मिलेगा। देखो मेरे बच्चे यहाँ पे कैसे मिलेगा, इस तरीके से क्या हमारा दो ग्राफ है, दो एक्सिस है, और जो हमको पता है कि एक्स एक्सिस पे हमको क्या लेना है, टी लेना है, और वाई एक्सिस पे मेरे प्यारे बच्चे हमको क्या लेना रहेगा, आर टी लेना होगा। अब आर टी मैंने यहाँ से ले लिया, ठीक है, अब जो आर नॉट है बेटा, आर नॉट ये क्या है, सी है, y = mx + c। अब c का वैल्यू क्या बेटा, हमारा जो r नॉट है, तो r नॉट हमारा क्या रहने वाला, फिक्स रहने वाला है, कांस्टेंट है ना, तो सपोज करो कि भाई हमारा r नॉट यहां पे इस तरीके से, ठीक है, अब r नॉट इस तरीके से बेटा, तो मेरा जो स्लोप बनने वाला है, जो m का वैल्यू जो है बनने वाला बेटा, वो क्या बनने वाला है, हम डाउनवर्ड बनने वाले। क्यों डाउनवर्ड बनने वाला बेटा, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरा m का वैल्यू है ना वो क्या है, माइनस का k है, माइनस का के है, मतलब डाउनवर्ड मेरे को मिलेगा। तो इस प्रकार से मेरे को ग्राफ मिलेगा किसके लिए, किसके लिए मेरे प्यारे बच्चे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। समझ में आया सारे बच्चों को, क्लियर है ना भैया, आप लोग अगर मजा आया क्लियर तब ना, मैं इसको आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ना बच्चे जब इसको आप सॉल्व करने जाते हो ना, तो बेटा आपको बच्चों को यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है कैसे चीजें आ रही, इसलिए बच्चे मैं आपको आराम आराम से धीरे धीरे हौले हौले तरीके से ये डिलीवर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ बेटा कि चीजें कैसे होती जाती है, ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखो बेटा टी इज इक्वल टू टी, हम जो है एक्स इज इक्वल टू लिए, सारी चीज आपको फंडा आपको समझ में आया, कैसे ग्राफ बनाइए सारी चीज आप क्लियर हुई। अब बच्चे मैं आपको जो है ये सारी चीजें आपको समझ में आई, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला जो फॉर्मूला निकाले थे वो क्या निकाला था, आपको फटाफट देखो, टी इज इक्वल टू आर टी माइनस सॉरी आर नॉट माइनस आर टी बाइक के, तो हमको इसको फटाफट कहीं पे और लिख लेना है, देखो जिससे हमको ये चीजें जो है वापस और पेजेस में नहीं जाना पड़े। देखो बच्चे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि टी का जो वैल्यू आया था मेरा, टी का जो वैल्यू आया था वो मेरा क्या था, आर नॉट माइनस आर टी, आर नॉट माइनस आर टी बाइक के था, आर नॉट माइनस आर टी बाइक के था, ये मेरा जो वैल्यू आया हुआ था। अब बच्चे मैं आपको एक फिनोमिना दिखाता हूँ, फिनोमिना बता दूँ क्या सर, कि आपने बेटा जब भी इसको सॉल्व करोगे, जब भी इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिया जाता है, अर्ध आयुकाल, क्या बेटा अर्ध आयुकाल, मतलब हाफ टाइम पे, हाफ साइकिल टाइम पे हमारी जो अभिक्रिया है वो कैसे रिएक्ट करे, कितना हो रहा है, कितनी स्पीड से हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, इसके बारे में कैलकुलेशन होता है। और बच्चे पूरा का पूरा जो लाइफ टाइम, जीवन काल में जो अभिक्रिया है उसकी भी स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो बच्चे कितना टाइम लगता है उसके बारे में बात करूं, तो सबसे पहले बच्चे अपन बात करेंगे अर्ध आयुकाल के बारे में, बेटा अर्ध आयुकाल के बारे में, अर्ध आयु के बारे में बात करूंगा। तो अर्ध आयु का मतलब होता है बेटा कि 50%, अर्ध आयु मतलब 50%, ठीक है, 50% कम नहीं होगा, 50% क्या होगा बेटा, 50% पूर्ण होगा, क्या पूर्ण होगा, हमारी अभिक्रिया पूर्ण होने वाली है 50%। ये एकदम क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है, ये क्लियर होनी चाहिए, बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है यहाँ पे 50% कहने का मतलब सर 50% हो रहा है कि 50% बाकी है, तो बेटा 50% कंप्लीट होगा पूर्ण होगा तभी तो 50% बाकी है, समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे 50% भी हमारा जो अभिक्रिया है वो पूर्ण हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 50% जब पूर्ण हुआ तो मैं क्या बोल दूं भैया, मेरा जो टी का वैल्यू, टी अगर टी का नॉट है बेटा, टी का जो वैल्यू वो जीरो है, अगर टी जीरो टाइम के लिए बेटा, मेरा जो अभिक्रिया को जो हमारा रिएक्शन होने वाला बेटा वो क्या होता है, आर नॉट होता है, जो अभिकारक होता है बेटा उसकी जो वैल्यू आर नॉट होती है। तो मेरा जो टी हाफ टाइम के लिए बच्चे, टी जो है टी हाफ टाइम के लिए मेरा जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होगा बेटा, R नॉट बाई टू होगा, R नॉट बाई टू होने वाला है, एकदम सिंपल सारे बच्चों को, ठीक है। ये कैसे वो हाफ टाइम ही हमारा जो रिएक्शन है, पूरे टाइम में जीरो टाइम पे हमारा R नॉट हो रहा था, पूरी अभिक्रिया जो सेम रखी जैसी की तैसी रखी हुई थी, अब आधा हुआ तो इसका भी वैल्यू क्या होगा बेटा, रिएक्टेंट का जो वैल्यू था वो क्या हो गया, आधा हो गया, सिंपल आधा पूर्ण हो गया। अब बच्चे आधा जब पूर्ण हुआ ये, तो मैं सेम ये फंडा है इसको यहां पर रख सकता हूं, यहाँ पे रख सकता हूँ आर नॉट के लिए बेटा, टी टाइम के लिए मेरे क्या होने वाला है, आर नॉट की वैल्यू सेम रहने वाली है। अगर मैं इसको फटाफट यहाँ पे लिखूँ तो सारे बच्चों को क्लियर आ जाएगा। देखो बच्चे अगर मैं आर नॉट की वैल्यू आर नॉट माइनस आर टी की लिखता हूँ, आर नॉट माइनस आर टी बाई के, वापस से मैं इसको लिख दिया बेटा, अब आर नॉट की वैल्यू क्या थी, आर नॉट ही थी,
आर नॉट ही थी, ठीक है। अब आरटी की वैल्यू में रखूं, आरटी की वैल्यू ढूंढ बेटा क्या होगा, आरटी ये हमारा आरटी होगा, टी टाइम टी हाफ टाइम के लिए, टी हाफ टाइम यहां पे तो टी नहीं लगे ना, टी हाफ टाइम के लिए क्या होगा, आर नॉट बाई टी, आर नॉट बाई टी। तो मैं यहां पे आर नॉट बाई टी लिख देता हूं फटाफट, देखो आर नॉट बाई टी मतलब आर नॉट बाई टू, क्या बच्चा आर नॉट बाई टू टी हो रहा था, सॉरी टाइम से मैं, ठीक है यहाँ पे फ्लो फ्लो में हो जाता है यार, देखो कि आर नॉट बाई टू हो रहा था, आर नॉट बाई टू हो रहा था, तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे में के आ जाता है। तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि हम जो है आर नॉट बाई को कॉमन निकाल देंगे और वन बाई टू होता है मेरे बच्चे, ठीक है वन बाई टू हो, तो मैं इस प्रकार से के करूँ, अगर मेरे को अच्छे से सॉल्व करना बेटा तो आर नॉट बाई टू के मेरे को इस प्रकार से मिलेगा, जो कि हमारा क्या बेटा टी है, और टी भी कैसे बच्चे, टी भी कैसे लिए, टी हाफ टाइम के लिए मेरे बच्चे, किसके लिए, टी हाफ टाइम, यहां से पता चला टी हाफ टाइम के लिए मैं क्या लूंगा बेटा आर नॉट, आर टी का जो वैल्यू था आर नॉट बाई टू होने वाले, ठीक है। इस प्रकार से मेरा ओवरऑल बच्चे हाफ टाइम के लिए, हाफ टाइम के लिए बेटा मेरा जो है फॉर्मूला होने वाला क्या है, मेरा जो फॉर्मूला होना है टी हाफ टाइम, टी हाफ टाइम इसको छोटा छोटे छोटे कर लेते हैं अपन, ठीक है बच्चा। यहाँ पे इस तरीके से अपन जब बात करेगा बच्चे तो टी हाफ टाइम के लिए हमारा जो वैल्यू होने वाला है आर नॉट बाई टू के होने वाला है, ठीक है। ये तो हुआ मेरे प्यारे बच्चे अर्ध आयु काल के लिए, मैं आपको फुल टाइम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। फुल टाइम कहने का मतलब कि हमारा जो पूर्ण काल होगा बेटा, पूर्ण जीवन काल होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल लिखता हूँ जीवन काल के लिए, पूरी अभिक्रिया के जीवन काल, जीवन काल कहने का बेटा यहाँ पे लाइफ टाइम की बात चल रही है, और जो हमारा होता है बेटा 100%, जब अभिक्रिया 100% पूर्ण हो जाएगी तब कैसे, तब कंडीशन में कैसे चीजें होती है इसके बारे में बात करूँ। देखो बच्चा यहाँ पे टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी जब जीरो होगा मेरे बच्चे तो आर नॉट का जो वैल्यू था, आर नॉट का वैल्यू तो हाँ तो आर नॉट मिलने वाला है। जब हमारी जो है बेटा, जब टी का वैल्यू मैं एल एफ से लिख देता हूँ, ठीक है, लाइफ टाइम मतलब फुल लाइफ की बात करता हूँ तो एल एफ लिख देता हूँ, चलो मैं एल एफ लिख देता हूँ, ठीक है। टी एल एफ मतलब जीवन काल की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो टी एल एफ की मैं जब बात किया तो यहाँ पे क्या हो गया, टी एल एफ का जो वैल्यू है बेटा, टी एल एफ का जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या डिनोट करेगा, हमारा जो अभिकारक है, टी एल एफ मतलब जब भी पूरी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो अभिकारक कुछ बचता है क्या, नहीं बचता, सिंपल सी बात है, वहां पे अभिकारक बचता ही नहीं है, तो वहां पे जो अभिकारक की क्वांटिटी यहाँ पे जीरो आ जाएगी, सिंपल सी बात जीरो आ जाएगी। अब इस वैल्यू को, इसको हमको क्या रखना है, इस वाले फॉर्मूले के अंदर रखना है बेटा, किस वाले फॉर्मूले के अंदर, इस वाले फॉर्मूले के अंदर रखना है। अब मैं जब करूंगा बेटा सॉल्व, इसको क्या मिलेगा, टी 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 मेरे को जो है फुल टाइम के लिए मिलेगा, लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, तो मेरे को क्या कर दूं यहाँ पे फटाफट, देखो आर नॉट का वैल्यू तो आर नॉट मिलने वाला है, आर नॉट का वैल्यू मेरे को आर नॉट मिलने वाला है, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू रखूंगा बेटा जीरो का वैल्यू रख दूंगा, क्योंकि मेरा आरटी का वैल्यू क्या बेटा, आरटी का जो वैल्यू है जीरो हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चे मेरे को यहाँ पे के मिलेगा, के मिलेगा, और टी टी लाइफ टाइम के लिए बेटा, टी मेरे को जो है लाइफ के लिए, लाइफ साइकिल के लिए, टी एल एफ के लिए बच्चा मेरा जो वैल्यू होने वाला है आर नॉट, आर नॉट बाई के होने वाला है, क्या बच्चा आर नॉट बाई के होने वाला है। तो इसको भी बेटा आप लोग क्या करना, फटाफट जो है अपने कॉपी के अंदर नोट करना, क्योंकि ये भी हमारे लिए अगेन जो है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी हमारा जो है एक इंपॉर्टेंट मार्कल है, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे हमको जो है हाफ टाइम के लिए, अर्ध आयु काल के लिए बच्चे, और हमको जो जीवन पूरे जो है पूर्ण जीवन काल के लिए, ये दो जो है हमको क्या मिल चुके हैं, दो जो है हमको जो है यहाँ पे फॉर्मूलाज मिल चुके हैं, इससे ही हमारे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, क्लियर है सारे बच्चों को, ठीक है। यहाँ पे किसी भी बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे भी अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लेगा इससे पहले वाले स्लाइड को, तो इसको भी ले लो भैया, ठीक है, ले लिए, चलो शाबाश, बढ़िया बच्चा। अब बच्चे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि भैया हमारा शून्य कोटि की अभिक्रिया तो हो गई, हाँ एक ऑब्जर्वेशन किया सारे बच्चों ने यहाँ पे कि भैया हमारा जो लाइफ टाइम जो होता है ना, फुल लाइफ जो होता है, जीवन काल जो होता है, वो क्या होता है बेटा, आर नॉट बाई के होता है, आर नॉट बाई के होता है, लेकिन मेरा हाफ टाइम जो होता है बेटा, टी नॉट बाई अर्धायु काल जो होता है, ये क्या होता है, आर नॉट बाई टू के, मतलब ये जो है इसका जो है लाइफ टाइम का ये आधा है, ये आधा है, ये आधा ना बेटा, समझ आ रहा है ना, यहाँ पे ये क्या पूरा है, तो ये क्या है हमारा लाइफ टाइम जो बेटा आधा है, कंफर्म है, ये तो हमारा आधा होगा। तो इस प्रकार से अगर मैं बोलूं बच्चे को मेरा जो जीवन काल होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, वो जो है बेटा पूर्ण जीवन काल जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या क्या होता है, आर नॉट बाई के होता है, जो कि होता है अर्धायु काल का दोगुना होता है, क्या बेटा, जो कि अर्धायु काल का दोगुना होता है, मतलब इसको दो बार रखूंगा तो ये मेरे को मिल जाएगा, क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया बेटा, बहुत गजब तरीके से सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारो बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि हम जो है अब ना क्या पढ़ने वाले हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं, कि आखिरकार प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। देखो बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, अभी अपन ने क्या पढ़ा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में अपन ने बहुत गजब तरीके से पढ़ा है। अब बच्चे अपन जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अंदर क्या चीजें होती है, समझ में आया मक्खन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, सेम जैसे मैंने बताया कि हमारा जो यहाँ पे वेग की बात होती है, वेग का वैल्यू क्या होता है बेटा, माइनस डी
माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ आर माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ आर क्या होता है डी टी, यही होता रहता है, यही होता है कंफर्म। अब बच्ची यहां पे मैं वेग की बात करूं, यहां पे मेरा n का वैल्यू क्या होने वाला है, यहां मेरा n का वैल्यू 1 होगा क्योंकि मैं प्रथम कोटि अभिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पे n का वैल्यू क्या होने वाला है, 1 होने वाला। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखते रहना, यहां पे वेग क्या होने वाला है, वेग जो है मेरा क्या होने वाला बेटा, k इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ r, कंसंट्रेशन ऑफ r पावर में 1, इस प्रकार से होने वाला है, इस प्रकार से मेरे को मिलने वाला है। अब मैं आपको मैथमेटिक्स में बताया हूं बेटा कि भैया r, ठीक है, आर फी या फिर ए की मैं बात करूं, यहां पे आर नहीं लिखते अपन ए लिख देते हैं, ठीक है। अब ए का पावर जब 1 होता है मेरे बच्चे, ए का पावर जब 1 होता है तो मैं इसको जो है एज इट इज क्या लिखता हूं बेटा, ए लिख देता हूं, ठीक है, ए लिखता हूं, इस प्रकार से लिखता हूं। तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को आर नॉट ही मिलेगा, सॉरी हम कंसंट्रेशन ऑफ आर मिलेगा, ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को। अब इसको मैं क्या करूंगा, मेरे को सेम फंडा यहां पे जो है क्या मिलेगा, के कंसंट्रेशन ऑफ आर ही मिल रहा होगा, आर ही मिल रहा होगा, क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो मेरे बच्चे, मैं इसको जो है इसको और इसको कंपेयर करूंगा, तो मैं क्या करता था, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर डिवाइड बाई डी टी करता था, डी टी करता था। और इसके साइड में बेटा हम जो इस वाले राइट हैंड साइड पे क्या लिखते हैं, के कंसंट्रेशन ऑफ आर, इस प्रकार से मैं लिख देता हूं, क्लियर है सारे बच्चों को। अब मेरे को जो है एकदम प्रॉपर तरीके से ये दिख रहा है सर कि मेरे को जो है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ आर दिख रहा है, क्या इसको मैं एक साइड लेके रख सकता हूँ, बिल्कुल कंफर्म बच्चे आप सही जा रहे हो। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर बेटा कंसंट्रेशन ऑफ बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये कर दिया मैंने, ठीक है। अगर बच्चे मैं यहां से माइनस हटा दूं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, तो यहां पे किसी भी कोई भी बच्चों को यहां पे दिक्कत नहीं होगी कि d कंसंट्रेशन ऑफ r, कंसंट्रेशन बार बार मैं बोल रहा हूं, तो कंसंट्रेशन कहने का मतलब बेटा कि हम जो ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाया ना, तो ये हमको केमिस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंट करता है कि वो जो अंदर में जो लिखा हुआ एलिमेंट जो टर्म है बेटा वो क्या है, सांद्रित है, क्या है बेटा, सांद्रित है। कंसंट्रेशन जो मैं बार बार बोले जाऊं तो बच्चों को समझ आना चाहिए, वो मैं उस एलिमेंट को सांद्रित लेके चल रहा हूं, ठीक है, समझ में आया सारे बच्चों को। तो वहां पे बात हुआ बच्चे, बात हुआ देखो d इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ r बाई कंसंट्रेशन ऑफ r, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं सॉल्व करूं बच्चे, तो मेरे को इस साइड पे मेरे को मिलेगा, फिर से हम शिफ्ट करेंगे, माइनस माइनस और k मेरे को मिला है, k बाकी है, इस k बाकी है, k बाकी है, और dt भी उधर चला जाएगा, तो क्या होगा, माइनस k dt मेरे को इस प्रकार से मिलेगा, क्लियर है हमारे बच्चों को, जबरदस्त तरीके से क्लियर होगा। अब बच्चे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, फटाफट बच्चे अपने कॉपी के अंदर इसको नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, देखो मेरे पास बच्चों, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या होगा भैया, यहाँ पे माइनस सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ डी सॉरी डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी मेरे को मिला एट द एंड, ठीक है। अब बच्चे जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लगाता हूँ, समाकलन लगाता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो मैं समाकलन लगा के क्या करता हूँ बेटा, मेरे को पता है कि मैं नीचे में क्या लिखता हूँ, लोअर लिमिट में आर नॉट और यहाँ पे बेटा आर टी के बारे में बात करता हूँ, और यहाँ पे मेरे बच्चे क्या करता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ आर, कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर के बारे में बात करता हूँ, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मैं बात करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा इसको जो राइट हैंड साइड पे मेरे को जो है जीरो और टी से लिमिट होता है, जीरो जीरो टू टू का सॉरी टी का लिमिट होता है, और बच्चे यहाँ पे मेरे को मिलता है माइनस माइनस के डी टी, इस प्रकार से मिलेगा। और मेरे को मैथमेटिक्स के अंदर ये पता है मेरे प्यारे बच्चे को, जब डी एक्स dx बाई एक्स का जो हो गया होता है समाकलन होता है, तो मेरे को x मिलता है, ठीक है, इस प्रकार से मेरे को पता है, ठीक है। यहाँ पे समाकलन आपको जो है बहुत बेहतर तरीके से पता होगा। अब बच्चे सेम फंडा मैं यहाँ पे लगाऊंगा, सेम फंडा लगाऊंगा, देखो बच्चे यहाँ पे सेम फंडा लगाऊंगा, तो यहाँ पे लॉग x मेरे को इस प्रकार से मिलता है, log 10x 10ex मिलता है मेरे को, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर मैं बोलूं भैया कि rt, ठीक है, rt क्या बच्चा rt, तो इसको हम यहां पे लगाएंगे बेटा log, log का लगाएंगे, ठीक है, यहां पे लगाएंगे log, log कहने का मतलब ln, ठीक है, ln rt, ln rt माइनस ln r नॉट लोअर सॉरी हायर लिमिट टू लोअर लिमिट, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं सिर्फ लॉग लगा दिया और कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो लॉग लगा दिया, अब बच्चे सेम फंडा यहाँ पे मैं करूंगा, यहाँ पे तो क्या लगा दूंगा हम, माइनस के टी के बारे में बात करूंगा, डी तो हट जाएगा ना, माइनस के टी हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस के टी जब होगा बच्चे, तो मेरे को किस की वैल्यू निकालनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, ln ln rt की वैल्यू निकालनी होती है, ln rt की वैल्यू निकालनी होती है। जब ln rt की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस के टी प्लस ln r नॉट, इस प्रकार से मेरे को मिलेगा, माइनस के टी प्लस ln r नॉट मिलेगा, क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो मेरे बच्चे, ठीक है, इस प्रकार से जब सॉल्व करूंगा तो मेरे को ln rt इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r नॉट मिला,
अब इसको मैं सॉल्व करता हूं तो भैया मेरे को ये कंफर्म हो जाता है कि y = mx + c वाला फंडा मैं वापस से यहां पे अप्लाई कर सकता हूं, वापस वहां से मैं अप्लाई कर सकता हूं, जिससे मेरे को rt बेटा ये क्या होने वाला है, y की वैल्यू होने वाली और c यहां पे मेरे को कांस्टेंट दिख रहा है और x का वैल्यू t है और m का वैल्यू बेटा यहां पे मेरे को k दिख रहा है, वो भी माइनस का। समझ में आया सारे बच्चों को? ठीक है, अब सेम प्रकार जैसे मैंने आपको बोला मेरे बच्चों की मैं जो ग्राफ है बेटा वो नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा, फिर हाल इसको पहले प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, अब देखो यहां पे प्रॉपर इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। अब ये मैं बोलूं बच्चा कि ये जो यहां पे देखना, ठीक है यहां पे देखना, ठीक है, अब अगर ln rt -kt, अगर मेरे को kt का वैल्यू निकालना है मेरे बच्चे, मेरे को kt का वैल्यू निकालना, सॉरी t का वैल्यू निकालना, क्योंकि मेरे को एट द एंड तो t का वैल्यू की बात करेंगे ना, t की वैल्यू के ऊपर बात करेंगे एट द एंड, तो बच्चे अगर मेरे को t की वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ln r0 करूंगा। क्या बच्चा? ln rt करूंगा, kt ln r0 -rt करूंगा। सिंपल बात है बेटा, सिंपल बात है। ठीक है, एकदम बहुत मक्खन तरीके से समझ आया सारे बच्चों को। अब बच्चे मैं इधर सॉल्व करता हूं फटाफट, इसी पेज के अंदर खत्म करते हैं। देखो बच्चा, kt = ln r0 - ln rt हुआ। इस प्रकार से जब मेरे को t की वैल्यू निकालनी होगी बच्चे, तो मैं क्या कर सकता हूं, t की वैल्यू निकालने के लिए 1/k कर दूं, 1/k करूं। जब इस प्रकार से मैं शिफ्ट होगा बेटा, तो k क्या होगा, इनटू में था, उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो 1/k होगा, और 1/k होने के बाद बेटा जो बाकी है वो लिख देता हूं फटाफट, r0 - rt, इसको भी ln लिख देते हैं फटाफट। ठीक है, ln लिखना प्रॉपर भैया, ln rt। ठीक है, अब बच्चे जब मेरे को ये बता दो, जब आप मैथमेटिक्स के अंदर रहते हो बेटा, तो आपको ये पता है कि जब ln, ठीक है, जब मेरे को ये पता है कि अगर एक सब्सटेंट बेटा, एक सब्सटेंट, ठीक है, एक सब्सटेंट ln a - ln b होगा, ln b होता है, ठीक है, तो इसको मैं जो है a/b के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? क्लियर है सारे बच्चों को मैंने क्या बोला? इस प्रकार से मैं फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, तो इसको भी बच्चे मैं इसी फॉर्मेट में लिख दूं, तो क्या होगा, 1/k = ठीक है, r0 by rt इस प्रकार से होगा। क्लियर है सारे बच्चों को? r0 by rt इस प्रकार से मेरे को मिलने वाला है। समझ में आया सारे बच्चों को? अब देखो ये मेरे क्या बच्चा, t का वैल्यू, ये मेरे बच्चे क्या, किसका वैल्यू, t का वैल्यू है, और मेरे जो है अब ये t का वैल्यू मेरे को एट द एंड जो है मिल गया, तो बच्चे इसको फटाफट अपने कॉपी के अंदर नोट कीजिएगा। ठीक है, अब बच्चे आप लोग ये वाला जो पॉइंट है ना बच्चा, ये वाला जो पॉइंट है इसको मत भूलिएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे ग्राफ बनाना है, यहाँ पे बच्चा हमको जो है ग्राफ बनाना है, तो इसको मत भूलिएगा। ठीक है, मैं आपको ग्राफ एट द लास्ट में बताऊंगा कि ग्राफ कैसे बनेगा, फिलहाल बच्चे इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, समझ आया सारे बच्चों को? मक्खन तरीके से सभी बच्चे इसको प्रॉपर तरीके से क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लिया फटाफट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हूँ बच्चे, तो मैंने यहाँ पे निकाला क्या हुआ था, t = 1/k upon r0 by rt निकाला। सारे बच्चों को समझ में आया r0 by rt? अब मेरे प्यारे बच्चे जब t का वैल्यू मेरे को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे हाफ जो है अर्ध आयु काल की बात करूंगा, मतलब अर्ध, क्योंकि मैं उसी वाले में क्या कहता बेटा, वहां पे अर्ध आयु काल की बात किया, तो यहां भी मैं क्या करूंगा, अर्ध आयु काल की बात करूंगा, जो कि होता है बेटा 50% क्या होता है, पूर्ण होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे जब हमारी अभिक्रिया जो है वो 50% पूर्ण हो जा रही है, तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, 50% पूर्ण होने पर t = 0 रहने पर बेटा मेरा जो अभिक्रिया होगा क्या होने वाला है, अभिकारक होने वाला है r0, और t = t हाफ टाइम के लिए 1/2 के लिए बच्चे मेरी जो अभिक्रिया होने वाली है r0/2 होने वाली, क्योंकि जब भी मेरी रासायनिक अभिक्रिया आधे टाइम पे जाती है, मतलब वो आधा कंप्लीट हो चुका है, मतलब r0/2 होगा। ठीक है, वहां पे मैं t बोल रहा था ना गलती से, तो यहाँ पे बेटा सही बोल दिया मैंने, r0/2 बोला। समझ में आया सारे बच्चों को? अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, जब मेरा वैल्यू इस प्रकार से, जब इस वैल्यू को मैं रखूंगा इसके ऊपर, ठीक है, rt की जगह पे मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा, ठीक है, इसकी वैल्यू जब रखूंगा तो क्या होगा आंसर, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो t = t = 1/2 1/k क्या होगा बच्चे, 1/k होगा। अब r0 का मेरा जो वैल्यू है बेटा वो तो हमको पता है, ठीक है, अब इसका जो वैल्यू है क्या होने वाला है, r0/2 होने वाला है। अब r0/2 है तो 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, कंफर्म है बेटा, हमारा जो 2 है वो तो ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा मेरे बच्चे, तो t = 1/2 होगा, और मेरे को 1/k मिलेगा, इस प्रकार से 1/k मिलेगा। तो बच्चे मेरे को जो वैल्यू मिलता है, यहाँ पे आप लोग नोट करके लिखना बेटा, यहाँ पे आप लोग नोट करके लिखना कि मेरा जो वैल्यू होता है, ठीक है, r0 by r0 का। एक बात मेरे को बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कि यहाँ पे जो r0 और r0 का वैल्यू मैं बोल रहा हूँ,
तो अब मेरे बचाओ बच्चे कि आर्नॉट बाई मेरे को क्या मिला, आर्नॉट बाई आर्नॉट टी, ठीक है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे कि आखिर यहाँ पे लिखा क्या है, तो बच्चे मैं इसको वापस से फटाफट मिटा के लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा था बेटा आर्नॉट बाई टू, इस प्रकार से लिखा हुआ था, ठीक है। अब बच्चे मेरे को बताओ आर्नॉट और आर्नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, आर्नॉट और आर्नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो टू ऊपर चला जाएगा बच्चे, क्या होगा टू ऊपर चला जाएगा, तो ये तो भैया हमारा लॉग था ना, ये हमारा क्या था लॉग, लॉग टू का जो वैल्यू था, ठीक है, लॉग टू का। मैं यहाँ पे आपको कुछ गलती किया हूँ, हाँ बच्चे यहाँ पे मैंने आपको लॉग लगाना भूल गया बेटा, आपको लॉग लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्या है, यहाँ पे भी लॉग लगाना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से लॉग लगाना भूलना मत, ठीक है, लॉग लगाना भूलना, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थोड़ी सी, तो बच्चे यहाँ पे लॉग लगाना भूलना मत, ठीक है, लॉग लगा के रखना है, ठीक है। अब देखो जब लॉग लगाएंगे बच्चे तो हम लोग लॉग टू मिलेगा मेरे को, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो लॉग टू का जो वैल्यू होता है ना, जो लॉग टू का जो वैल्यू होता है बेटा, लॉग टू का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.693, क्या होता है बेटा 0.693, ये मेरा क्या होता है log 2 का, सॉरी log 2 का वैल्यू होता है। जहां पे बच्चे आपको जो है कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना होता है, तो वो कॉन्सेंट्रेशन आपको जो है चाहिए रहेगी कि भैया आप जो किसी कंसेप्ट को कितना कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे हो, क्लियर सारे बच्चों को। इसी के साथ बेटे हम लोग जो है अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, लास्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है सर, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है क्या, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स की बात करूंगा, कारकों के ऊपर बात करने वाला, ये जो क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे जो हमारा प्रथम अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया पढ़े हुए थे, उसके तुलना में बेटा, उसके तुलना में भी ये भी सेम कंपैरिजन होने वाला है। उसकी तुलना ही नहीं करूंगा बच्चे, मैं किसी भी क्वेश्चन की यहां पे तुलना की बात नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चे ये सारे क्वेश्चंस को इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है। क्या मैंने बोला बच्चा, सारे का सारे जो है बराबर तौर पे बेटा इंपॉर्टेंट है, तो हमको सारी चीजें यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन जो है क्या मिला, बहुत मैक्सिमम टाइम मिला होगा, मैक्सिमम टाइम कहने का मतलब मैं जो 8 से 10 साल को क्वेश्चन एनालिसिस किया, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा मेरे को जो है 2 से 3 बार देखने को मिला। तो बच्चे ये क्वेश्चन भी आपको बहुत शानदार तरीके से एग्जाम में करके जाना है। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया, देखो बच्चा रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते, कौन कौन से कारक होते, उसके ऊपर बात की गई है। मैं आपको सारे कारक जो यहाँ पे डील करा चुका हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है, मैंने कि नहीं यहाँ पे जो सारे कारक है बेटा वो आपको डील करा सकूं, बस आपको पढ़ना है और समझ जाना है। देखो बच्चा मैं आपको बताता हूँ, पहले सबसे पहले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब सारे बच्चों को समझ आया। अब देखो बेटा इसके जो इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं वो निम्नलिखित है बेटा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपको मैंने इतने टाइम से कराते आया कि भैया जो वेग होता है ना वो प्रपोर्शनल होता है किसका, अभिकारकों का। जब मैं वेग इज इक्वल टू प्रपोर्शनल टू वेग, सॉरी वेग इज इक्वल टू लिखता था, अब देखो बच्चे मैं वेग 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 प्रपोर्शनल टू अभिकारक करूं, मतलब भैया यहाँ पे अभिकारक की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ, ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ ए एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी वाई, इस प्रकार से लिखता था, मतलब ये प्रपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैं के लगा रहा था, मतलब यही तो पहला हमारा इफेक्ट है, सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक। अब भैया किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है अभिकारकों की सांद्रता के साथ समानुपातियों में होता है, क्या होता है समानुपाती, जो आपको इस प्रकार से दिखता है। और बच्चे जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई एन, इस प्रकार से एक्स प्लस वाई का क्या होता है एन हो जाता है, और इस प्रकार से हम लिखते थे, समझ में आया। तो यही जो फैक्टर है आपको वापस समझ आएगा, ठीक है। अब बच्चे दूसरे की मैं बात करूँ तो रासायनिक जो अभिक्रिया का जो ताप बढ़ाता हूँ, मैंने इसको भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, जब मैं ताप गुणांक पढ़ाया था तो ताप गुणांक पढ़ाते बेटा, तो वहां पे ये चीज बोला था कि जब भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है बढ़ाता हूँ देता हूं, तो वो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है बढ़ जाता है, ठीक है, टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, मतलब भैया कि वो जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है 2 से 3 गुनी क्या हो जाती है बच्चा बढ़ जाती है, मतलब सिंपल वही वापस से आपको पूछा गया बोला गया है बच्चे क्या हुआ, सामान्यता तापक्रम बढ़ाने पर अभिक्रिया की जो वेग होती है बेटा क्या होती है वृद्धि होती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा उसमें आ जाती है, क्या बच्चा गतिज ऊर्जा आ जाती है। अब बच्चे अभिक्रिया के जो ताप को मैं अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाता हूं तो उसकी वृद्धि क्या होता है उसके वेग में क्या होती है वृद्धि हो जाती है बेटा, या फिर 2 से 3 गुना हो जाता है, जो कि मैंने आपको वापस से करा दिया। और बच्चे मैंने आपको ताप गुणांक इससे पहले वाला जो लेक्चर था पे मैंने इसको बहुत गजब तरीके से कराया हुआ है, समझ में आया सारे बच्चों को, ठीक है। अब तीसरे के ऊपर आता हूं बेटा, यहां पे उत्प्रेरक की उपस्थिति की बात की, उत्प्रेरक क्या होता है बेटा, सबसे पहले उत्प्रेरक क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, और मेरे बच्चे वो क्या करता है रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता, साथ ही साथ क्या करता है वो रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, तो ये हमारा उत्प्रेरक होता है भैया, उत्प्रेरक का यही काम होता है। तो भैया हमारा जो धनात्मक उत्प्रेरक होता है ये क्या करता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है उसमें संक्रियण ऊर्जा जो होती है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसमें क्या हो जाती है कमी हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है कम हो जाती है, जिससे क्या होता है बेटा हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया जो क्या होता है वेग जो होता है बेटा उसमें क्या होती है कमी वृद्धि हो जाती है, क्या बच्चा रासायनिक जो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसमें वृद्धि हो जाती है, समझ में आया सारे बच्चों को। चौथे की मैं बात करूं बेटा तो यहाँ पे क्रियाकारकों की प्रकृति के ऊपर, भैया हमारा जो क्रियाकारक है
उसकी कौन कौन सी प्रकृति है। मैं आपको जो एक जो है एग्जाम्पल करा था बच्चे, जहां पे मैंने आपको संग्रहण ऊर्जा के बारे में बताया था, दहली ऊर्जा के बारे में बताया था, वहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि H2 प्लस I2 वाला एग्जाम्पल है, जिससे हमको जो है प्रोडक्ट के फॉर्म पे 2HI मिलता था। वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि भैया हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होगा, आयोडीन आयोडीन के बीच में बॉन्ड होगा, वो दो बॉन्ड पहले टूटेंगे और मध्यवर्ती के बीच में बेटा वहां पे दो आई और एच के बीच में बॉन्ड होगा, तो वहां पे एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहला वाला बॉन्ड टूटता है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसी बॉन्ड के बारे में वहां पे वापस से बताया बेटा, ध्यान देखना, किसी भी अभिक्रिया किसी भी क्रिया में कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं, अतः सरल अणु में कम बॉन्ड टूटते हैं बेटा, अतः सरल अणु में कम बॉन्ड टूटते हैं तथा अभिक्रिया की गति तेज होगी, जिससे जटिल अणु में अधिक बॉन्ड टूटने लगते हैं। क्या बच्चा, अधिक जो बंध रहते हैं वो जटिल अणुओं में क्या होते हैं, टूटते हैं, जिससे उनका जो वेलोसिटी होती है, जो वेग होता है प्यारे बच्चे अभिक्रिया की, वो क्या हो जाती, कम हो जाती है। सर मैं सारे बच्चों को आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, विकिरण का प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो यहां पे विकिरण क्या था, यहां पे अगर विकिरण की बात की मतलब टेम्परेचर की बात हो रही है, किसी भी अभिक्रिया में विकिरण मतलब ताप आ रहा है, टेम्परेचर आ रही है, टेम्परेचर आ रहा है मतलब वो अभिक्रिया बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं दूसरे वाले पॉइंट में आपको डिस्कस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे भैया तापमान क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। क्लियर है सारे बच्चों को। अब मैं पांचवी की बात करूं बेटा, तो यहां पे क्या होता है, छठवी की बात करूं, सॉरी, अभिक्रिया का जो दाब होता है, किसी भी गैसीय जो अभिक्रिया में दाब में अगर मैं वृद्धि करता हूं, किसी भी गैसीय जो अभिक्रिया होती है, जो हमारे रिएक्टेंट है वो गैसी जो है फेस के हैं, गैसी जो अवस्था के हैं, अगर उसमें क्या होता है बेटा, उसमें जो है वृद्धि होती है, तो गैस की जो आयतन में क्या हो जाती है बेटा, कमी हो जाती है। जब भी हम जो है एक रिएक्टेंट लेते हैं वो गैसीय फेस की होते हैं बेटा, जैसे कि हाइड्रोजन हमारा गैस है, ऑक्सीजन हमारा गैस, तो ऐसे केसेस में क्या होता है बेटे, वो गैस का जो आयतन होता है वो कम हो जाता है, और आयतन कम होने से बेटा उसकी जो रिएक्टिविटी होती है, जो अभिक्रिया होती है वो तेज हो जाती है, मतलब उसकी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, वेग जो होती है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया की जो वेग होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से बेटा हमको जो है 6 पॉइंट यहाँ पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया, लेकिन आपको एग्जाम में भैया 4 से 5 लिख के आने हैं, तो सारे बच्चों को समझ में आया, बहुत बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। इस प्रकार से बच्चे हम जो पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो पूरा का पूरा जो चैप्टर है बेटा, वो यहाँ पे हम खत्म कर चुके हैं। बहुत शानदार तरीके से पढ़ें कि ये चैप्टर आखिर कैसा, कितना इंटरेस्टिंग, कितना मजेदार था। ठीक है, आने वाले लेक्चर में बेटा हम लोग नए टॉपिक, नए जोश, नए उमंग के साथ पढ़ेंगे। भैया इसी के साथ बच्चे आप लोग जो है बहुत शानदार तरीके से घर में पढ़िएगा, बहुत गलत तरीके से पढ़िएगा। अभी के लिए बच्चे ये वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, बाय।